कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सर्विस ज्यादा खरीदता है, क्या एडिशनल एडवांटेज होते हैं, किस सर्विस एक्सपोर्ट करने के कौन कौन से टाइप ऑफ सर्विस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, कौन सी टाइप की सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम केस हार गए थे, लेकिन फिर यही सर्विस चालू हुई जिसको बोला जाता है कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कैसे होगा, कितना गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या स्कीम होती है, कौन कौन सी सर्विस में आप काम कर सकते हैं, क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए आइए मैं दिखाता हूं इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूं, आइए आइए मेरे साथ में आइए, इधर से दिखाइए। How to export service from India? भारत से सर्विस कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सर्विस ज्यादा खरीदता है, क्या एडिशनल एडवांटेज होते हैं सर्विस को एक्सपोर्ट को स्टार्ट करने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कैसे होगा, कितना गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या स्कीम होती है, कौन कौन सी सर्विस में आप काम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते कि जब आप यहां से सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो जैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट और कुछ इंसेंटिव देती है, क्योंकि आप भारत में डॉलर कमा के लेके आते हैं, ऐसे सर्विस में भी आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते हैं। पहले जो स्कीम थी SEIS यानी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये तो 2021 में बंद हो गई थी क्योंकि हम केस हार गए थे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम केस हार गए थे, लेकिन फिर यही सर्विस चालू हुई जिसको बोला जाता है SEPC यानी द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसकी EPC बनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और उससे गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट मिलते हैं। क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, 3%, 5%, 7% और अप टू 10% ऑफ द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट, यानी जितना भी आपको फॉरेन अर्निंग हो रही है, जितना भी डॉलर आप अर्न कर रहे हैं, उसका 10% तक भी, मिनिमम 3% और मैक्सिमम 10% तक का भी आपको यहां पर गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक साल में, जो साल भर का पूरा हिसाब होता है, 1 करोड़ रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया और 3% का मिनिमम लेके चलते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आगे मैं क्राइटेरिया पे बताऊंगा एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है। तो 1 करोड़ रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, सर्विस एक्सपोर्ट किया, यानी आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, आपने नॉलेज दी या कुछ भी आपने किया, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए का भी अर्निंग किया, डॉलर कमाए हैं, उसका 3% भी आपको मिलता है, तो ये 3 लाख रुपए आपके पास में हो जाते हैं एज गवर्नमेंट के बेनिफिट। और अगर मान लीजिए कि ये 5 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया, सर्विस एक्सपोर्ट किया एक साल के अंदर, और 3% का उसमें मिनिमम लेके चलते हैं कि 3% का मिनिमम गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, तो ये 15 लाख रुपए के गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के बेनिफिट क्यों छोड़ने, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से, सही मेंटर नहीं होने की वजह से, सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से लोग क्लेम भी नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके पास पैसा आ रहा है। तो आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बिल्कुल मत छोड़िए, गवर्नमेंट को क्लेम करिए और पैसा लीजिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें कुछ रखा गया, जैसे अगर आप कंपनी है, चलो पहले कंपनी का ले लेते हैं एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है तो $15,000 पर ईयर आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए, अगर जो कि लगभग होता है 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए का अगर आपका एक्सपोर्ट होता है, सर्विस एक्सपोर्ट होता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इलिजिबल है इस स्कीम के लिए, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट वाली स्कीम है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, कोई कंसल्टेंट है या कोई डॉक्टर है या कोई एजुकेटर है या कोई ट्रेनर है, तो आप एक इंडिविजुअल है तो आपके लिए $10,000 रखा गया क्राइटेरिया, इलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास में। अगर आगे मैं बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, तो बहुत ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं चाहिए, आपको IC चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो हम अपने ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, ओनली 500 रुपीज का निकलता है DGFT की वेबसाइट से, और वो हम लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। RCMC आपको चाहिए, जो मैं बताऊंगा कौन सी RCMC लगेगी जब मैं EPC के बारे में बात करूंगा, और ये RCMC भी अभी नहीं चाहिए, ये RCMC तब चाहिए जब आपको बेनिफिट क्लेम करने, तो आप बिल्कुल कूल चिल होके आप एक्सपोर्ट करिए और गवर्नमेंट के बेनिफिट क्लेम करिए। अब एडिशनल एडवांटेज क्या होते हैं जो सर्विस में मिलते हैं, देखिए इसमें टोटल में 6 एडवांटेज आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा सर्विस एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है और मुझे सर्विस एक्सपोर्ट करनी चाहिए, एडिशनल एडवांटेज बताऊंगा। तो इसमें देखिए नंबर 1 एडवांटेज की बात कर ले तो वेरी लो इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल ट्रू है और आपको भी पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए। आप ट्रेनर हैं,
ट्रेनिंग दीजिए, नॉलेज दीजिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने बिजनेस ओनर्स को, और आपसे वहां से डॉलर आएगा आपको, जैसे हम कंसल्टेंसी देते हैं डॉलर आपके पास में आता है, तो वो लो इन्वेस्टमेंट है। कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई आपको मशीनरी नहीं खरीदनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगानी, कोई बड़ा स्टाफ नहीं रखना, लो इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सर्विस आप एक्सपोर्ट करिए। सेकंड नंबर की बात करूं, इंडिविजुअल कैन स्टार्ट, नो बिग टीम इज रिक्वायर्ड। अगर आप थोड़ा बहुत एक दो आदमी अपने साथ में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते तो सिंगल इंडिविजुअल आदमी भी अपना सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नंबर थ्री की बात करूं, इंक्रीज्ड मार्केट साइज, यानी अगर कोई सर्विस आप बेचते हैं, कोई आप कंसल्टेंट है, कोई आप डॉक्टर है, कोई एजुकेटर है, कोई ट्रेनर है, आप लोकल में अपनी सर्विस बेचते हैं, सर्विस सेल करते हैं, तो आपको यहां पे जितना बेनिफिट मिलता है उससे ज्यादा मार्केट अवेलेबिलिटी, लार्ज मार्केट अवेलेबिलिटी आपको मिलती है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि 800 करोड़ लोग आपके सामने हैं आपकी सर्विस खरीदने के लिए, बस आपको मार्केटिंग करनी है और सेल्स मार्केट में अपनी ध्यान देना है। नंबर फोर्थ की बात करूं, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में वहां पे आप जॉब की टाइमिंग रहती है कि 9 to 6 आपको वहां पे काम करना ही करना है, अगर नहीं काम करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो यहां पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिस टाइम देखें उस टाइम आप जूम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, उस टाइम आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में रहती है। नंबर पांच की बात के, गुड इनकम इन लो इन्वेस्टमेंट, इनकम आपको बड़ी अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट तो लो होता ही होता है लेकिन इनकम आपको अच्छी होती है, गुड इनकम होती है आपको। अगर मैं सिक्स्थ बेनिफिट की बात करूं तो गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको मिलते हैं up to 10%, तो है ना कमाल की बात, है ना एडवांटेज, है ना मजा आया ना आपको। 10% बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मैं तो 3% का आपका एग्जांपल दिया था, आप 10% सोचिए 10% कितना होगा। अगर मैं बात करूं कि सर्विस एक्सपोर्ट करने के कौन कौन से टाइप ऑफ सर्विस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, कौन सी टाइप की सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं, योगा सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे यूएस के ऐसे क्लाइंट है हमारे स्टूडेंट से जो यूट्यूब पे बता रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, और फॉरनर्स बहुत सारे उनकी योगा टिप्स खरीद रहे हैं, उनको योगा कराते हैं डेली और बहुत मिनिमम चार्ज करते हैं, 200, 500, 400 रुपए, 1000 रुपए, और लोग उनका हैप्पी होकर उनका लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो लोग पैसा भी दे रहे हैं। तो योगा टीचर आप बन सकते हैं, योगा कंसल्टेंट बन सकते हैं, योगा एक्सपर्ट बन सकते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, सीखिए करिए आगे बढ़िए। योगा आप सेल कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस दे सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सर्विस दे सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर आप बन सकते हैं, एजुकेशन सर्विस दे सकते हैं जैसे हम एजुकेशन सर्विस देते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट एडवाइस आप दे सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हैं, या फिर एनर्जी ऑडिटिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं भी एनर्जी ऑडिटिंग करता हूं, मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूं बाय BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, MBA हूं, और मैं BEE सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी, जो एनर्जी ऑडिट होती है उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है, और मैं अप्रूव्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ऑडिटर हूं, एनर्जी ऑडिटर। आप कंसल्टेंट सर्विस दे सकते हैं, आप ट्रेवल एजेंसी खोल सकते हैं, ट्रेवल एजेंसी की सर्विसेज दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का आप सर्विसेज दे सकते हैं, या फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में एडवाइस देते हैं, तो ये कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये टॉप मैंने ऐसे 12 आपके पास टाइप ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट बताई है, ये सर्विस आप एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब अगर मैं एक्सपोर्ट का प्रोसेस की बात करूं कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है कैसे, जैसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, जो आपका प्रोडक्ट है, क्या सर्विस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करिए, फिर आपको बायर फाइंड करना रहता है, बायर फाइंड करने के लिए टोटल 15 मेथड्स ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं, वो सारे आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, और अगर वो भी आपको महंगा लग रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसमें मेहनत ज्यादा लग रही है, तो आप पैसा फेंके तमाशा देखे बोलजा का डाटा ले सकते हैं, पेड डाटा ले लीजिए, अगर वो भी आपको कॉस्टली लगता है, महंगा लगता है, तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए कि वोल्जा का डाटा आपको सस्ता कैसे मिलेगा। फिर आपको बायर को वेरीफाई करना रहता है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, जो ट्रेनिंग में सारी ट्रिक्स आपको सिखा रखी है वो सारी आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर बायर को आपको कन्विंस करना रहता है, व्हाई शुड आई बाय जेंटलमैन फ्रॉम यू, तो आपकी जो USP यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो कैसे आपको बनाना, कैसे डेवलप करना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो अच्छा दिखता है वो सबसे पहले बिकता है, तो हमें प्रेजेंटेशन अच्छा करना है तो तभी बायर हमसे खरीदेगा, कन्विंस होगा, और ये ऐसी स्किल है कि इसमें पैसा आता है एडवांस, नो उधार, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उधारी पे जा काम होता है, कमीशन पे काम होता है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट होती है तो पेमेंट एडवांस आता है, और जब पेमेंट एडवांस आ जाए, जब पेमेंट आ जाए, जैसे गुड्स एक्सपोर्ट करने में आप BRC कराते थे, इसमें FIRC आपको कराना है, यानी फॉरेन इनवर्ट रिमिटेंस सर्टिफिकेट आपको देना है, जो कि EBRC बनवाते थे आप बैंक से, यहां पे FIRC आपको बनवानी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ कुछ बैंक बना के देते हैं। कोटक महिंद्रा मेरा बना के देता है, आपका आप बात करिए कोटक
महिंद्रा से। अगर मैं बात करूं इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लग जाती है, ईपीसी, तो मैंने पहले भी आपको बताई कि सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें लगती है, जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 14,750 रुपीज देकर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहता है, उस भारतीय को एक्सपोर्ट करिए जो कि अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, अपनी वेल्थ को डबल करना चाहता है, अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? Then you can join our practical training for export import. Training को join करने के लिए आप हमारी website visit कर सकते हैं www.rsglobalexport.in और you can call us on 8882357058 और 9014582523. What are you waiting for? Call now.